स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूँ आपके दोस्तों बात करने वाले इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूँ, तो कहीं मजा आएगा, चैनल से जुड़े रहिए। शुरू करते हैं दोस्तों, जिस तरीके से T20 मैच ये जो पूरी सीरीज में कवर चल रही है वेस्ट इंडीज टीमों का, वेस्ट इंडीज टीम का जो प्रदर्शन रहा शुरुआती दो मैचों में आते हैं, कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज टीम की गेंदबाजी में थोड़ा बहुत धार दिख रहा था और वो गेंदबाजी भारतीय टीम के बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी, जिसका नतीजा बहुत नज़दीक जाके भारत को मैच हार रही थी। कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी और रोहन पाल की कैप्टनसी वो थोड़ा सा भारतीय टीम को चिंताजनक और परेशान कर रही थी। और लेकिन तीसरे T20 मैच में सबसे बड़ी बात करें तो जायसवाल को एज ए ओपनर टीम में चांस दिया गया था, एक्शन गुड मूव आई थिंक, और उसके बाद से भारतीय टीम में थोड़ी संजीव रणनीति का हिस्सा कुछ नया करने की कोशिश की, जिसमें जायसवाल को फिट किया गया और टॉस वेस्ट इंडीज ने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अमूमन वेस्ट इंडीज की जिस तरीके की गेंदबाजी है उसे देख के ऐसा लगता है कि अगर वो टारगेट 180 के आसपास का रखते थे शायद भारतीय टीम में बल्लेबाजी होती और दिक्कत होती, लेकिन इस तीसरे T20 मैच में एक थंडरस्टॉर्म आया जिसका इंतजार हम सभी कर रहे थे, चाहे वो आप हो चाहे मैं चाहे खुद भारतीय टीम। जी हाँ, SKY स्काई की हम बात करें, सूर्य कुमार यादव जिन्होंने इस मैच में 42 गेंदों में 88 रन का स्कोर बनाया और एक तरफा मैच कर दिया और एक एक्सेप्शनली टू गुड बल्लेबाज तिलक वर्मा, तीनों ही अगर T20 मैचेस को आप देखें तो इस खिलाड़ी ने हर एक मैच में परफॉर्मेंस दिया और IPL से लेकर अब तक जब भी इस खिलाड़ी को मौका मिला है इसने कभी भी उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया, हमेशा बेहतर करने की कोशिश की और प्रूव किया कि क्यों मैं बेहतर हूँ और मुझे आगे आने वाले मैचेस में चांसेस और स्पेशली ODI या टेस्ट टीम में कभी हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए। सुपर प्लेयर है, बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं जहाँ जिस पोजीशन पे भी, चाहे वो तीसरे नंबर पे है चाहे वो चौथे नंबर पे या फर्स्ट डाउन भी कई मैचेस में उन्होंने T20 में परफॉर्म किया तो वो देखने लायक रहा। वेस्ट इंडीज टीम ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, शुरुआत अच्छी रही ब्रैंडन किंग और कैली मार्श, आई थिंक फर्स्ट टाइम कैली मार्श वो 20 से ऊपर उसका स्कोर कर पाया 25 रन, लेकिन चार्स और पूरे रन से बाहर नहीं चल पाया, चार्स तो पूरे मैचेज में नहीं चल पा रहे, लेकिन यहाँ कुलदीप यादव जो स्पिन अटैक रही, कुलदीप यादव ने तो T20 मैचों में 50 विकेटों का अपना एक माइलस्टोन कह सकते हैं वो पार किया है। उसके बाद से एक नई चीज जो रणनीति का हिस्सा मैं आप लोगों से कह रहा था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो अक्षर पटेल को इस बार पूरे ओवर कराएगा, उसका नतीजा ये रहा कि 167 रन पर वेस्ट इंडीज टीम सिमट के रहेगी, ऑल आउट नहीं हुई है 5 विकेट भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैर जमाने का मौका नहीं मिला। इसकी सबसे खास वजह रही अपना, देखिए अक्षर पटेल को केवल एक विकेट मिली है चार ओवर में, 24 रन दिए 6 रन प्रति ओवर, लेकिन जो एक जो बीच में मीडिएटर का काम होता है जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के पुल की जरूरत होती है, अभी वो काम अक्षर पटेल ने किया है। जिस तरीके से चार ओवर में जो एक पांचवें बॉलर की कमी कहीं ना कहीं भारतीय टीम में दिख रही थी, कहीं ना कहीं वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा था गेंदबाज हार्दिक पांड्या खुद थोड़े से असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं, फिर किस तरीके से मैं अपने गेंदबाजों को यूटिलाइज करूँ, कोई ऐसा गेंदबाज हो जो मुझे वो ओवर कम्प्लीट फटाफट करके दे, रन गति को ब्रेक लगा और थोड़ा बहुत स्टार्टिंग विकेट्स निकाल के दे, और वो काम अक्षर पटेल ने बखूबी किया। अक्षर पटेल ने शुरुआती लम्हों में एक विकेट निकाल के दिया और उसके बाद वो केली मार्च की फिर जो अच्छा खेल रहे थे आई थिंक 20 कदम 25 रन बना के वहाँ पर उन्होंने उसके बाद से कुलदीप यादव का वो सफर जो उन्होंने ODI मैचेस की शुरुआती दो मैचों में करके दिखाया था वैसा ही कुछ इस T20 मैच में, जो 3 विकेटें निकाली 4 ओवर में 28 रन देके मुकेश कुमार को डाउन में 2 ओवर मिले लेकिन एक विकेट हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 18 रन इकोनॉमिकल रहे। तो अक्षर पटेल के आने से भारतीय टीम की गेंदबाजी कहीं ना कहीं मजबूती है, आने से मतलब कि बॉलिंग में मौका देने से, खेलते तीनों T20 मैच खेले उनको बॉलिंग में चांस नहीं मिला और वो एक बड़ा ही डिफिकल्ट मोमेंट मुझे कुछ समझ नहीं आता जिसका पिछला दौरा वेस्ट इंडीज के इतना शानदार रहा उस गेंदबाज को कैसे आप नदारद कर सकते हो, कैसे आप इग्नोर कर सकते हो, और वही चीज़
समय लगा लेकिन आई थिंक देर आया दुरुस्त आ वाली कहावत है। ऑगस्टिन जी की बल्लेबाजी की चर्चा करने है तो वेंडर किंग और कैली मार्श को अपनी पार्टनरशिप बेहतरीन है। चार्ल्स चार्ल्स को मैंने अमूमन उनको कई सारे लीग्स में खेलते हुए देखा, अच्छे हार्ड हिटर है स्पेशली टी ट्वेंटी में बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं नो डाउट अबाउट इट। लेकिन तीनों ही मैचेस में उनका बल्ला चलाने आई थिंक कुछ ज़्यादा उत्साही नजर आते हैं, कुछ ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। पिछले मैच में भी एक 15-16 रन का एक छोटा सा पारी खेली थी लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही चहलकदमी करते हुए जल्दी स्ट्रोक प्ले करते हुए तिलक वर्मा ने शानदार कैच पकड़ा था उस मैच में। और इसमें भी देखिए 12 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने इंटरव्यू में तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का उनका नाम है जिस तरीके का फेम उसके अनुरूप नहीं खेल रहे। पूरा पिछले मैच में इतनी शानदार पारी थी और इस मैच में 20 रन बनाकर कुलदीप यादव शिकार हुए। स्टंप अच्छा किया संदीप सैमसन ने। रोमन पावर हर एक मैच में बेहतरीन तरीके से खेला, इस मैच में नॉट आउट 40 का स्कोर किया। एट माय आई थिंक शायद वो लोग खिलाड़ियों को समझाते समझाते ही अपनी युक्ति गंवा दे रहे हैं, चाहे ओडीआई मैचेस थे चाहे वो टी ट्वेंटी के 3 मैचेस हो चुके 5 वर्षीय श्रृंखला, एक बेहतरीन पारी उनके द्वारा देखने को नहीं मिली। और ये एक सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि अगर आपके पास कोई विश्व स्तरीय बल्लेबाज है तो बहुत ज़रूरी है कि वो बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे, बेहतर तरीके से अपने आप को, क्योंकि आप एक रोल मॉडल सेलेक्ट करना है अपने बाकी प्लेयर्स के लिए। एक रोमानी शेफर ने जो डाउन जो रोमानी शेफर के बारे में भी एक चीज़ में अगर आपको उसे चर्चा करना चाहूँ कि वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर हो जाता है लेकिन और हर एक पहलू का चर्चा ना लो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी मेरे को लगता है कोई बेहतर नहीं हुआ है। रोमानी शेफर जिस तरीके के ऑलराउंडर स्पेशली बल्लेबाज बल्लेबाज हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं लेकिन इससे टी ट्वेंटी फॉर्मेट में अभी तक 3 मैच खेले गए, बॉलिंग पर ज़्यादा उनको डिपेंड रखा जा रहा है, बैटिंग उनको नहीं दी जा रही। आई थिंक उनको इस सिचुएशन में जो अपनी पार्टनरशिप अच्छी थी और यहाँ चार्ल्स की विकेट निकल गई थी शेफर को प्रमोट करना चाहिए। इससे क्या होता है एक तो पूरन आपका एक आपके रोमन पावर कहीं ना कहीं उनको थोड़ा और डाउन भी होता थोड़ा सा नीचे, जबकि प्लेयर है जिनको ज़्यादा समय चाहिए थोड़ा सा और नीचे आने का मौका मिलता। और जो एक विकेट 2-3 निकल गए थे ना तो उतनी मतलब वो दिक्कत ना होती यार, क्योंकि रोमन शेफर को तो वैसे भी हम नीचे रख रहे वैसे उनकी बल्लेबाजी ने अगर वो जाकर 15-20 रन भी अगर वो 5-7 गेंद में बना देते ना तो वहीं वो मोमेंटम आपको जो मिल जाता और वहाँ से फिर वो स्कोर भी बड़ा होता, आपको चांसेस भी बढ़े। जो स्पिनर्स अक्षर थे या कुलदीप यादव उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी कर पाते हो रोमानी शेफर, उनमें है काबिलियत है ऐसा कर सकते हो, ये कुछ अलग हटके सोचने की ज़रूरत है। जैसा कि हार्दिक पांड्या ने इस मैच में अलग हटके करने की कोशिश की और वो उसमें सफलता पाई उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। 159 रन का टारगेट था भारतीय टीम उसका पीछा करने आया, जयसवाल अपना पहला और यही मैच खेला तो बहुत उत्साहित। और देखिए इनका जो सफर है IPL से लेके उसके बाद टेस्ट मैच में बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी करी और यही में भी अच्छा खेला, लेकिन इसके बाद से T20 पहला मैच था थोड़े से आई थिंक और वो ओवर की गेंदबाजी का एक फर्क पड़ता है कि वो थोड़े से हार्ड लाइन पर गेंदबाजी करते हैं, उनके अक्सर गेंद बाउंसिंग स्टेज पर रहती है और बल्लेबाज थोड़ा सा स्ट्रेच को थोड़ा और लंबा कर देते हैं वहाँ से, क्योंकि कोई लंबे कर चाहती जो बल्लेबाज गेंदबाज सॉरी तो जब गैप को हिट करते हैं तो गैप को बाउंस मिलना लाजमी है, अगर वो बुलियन से जस्ट शॉर्ट ऑफ रहे तब भी वो आपको छोड़ जाता कहीं ना कहीं गैन पैरी करेगी उस पोजीशन पे, एक तो वो स्लो कर देते गेंद को वहाँ से उसको गैन को मोमेंटम दे पाना बड़ा मुश्किल है। और यही वजह रही जो वो बाउंड्री का कैच आउट हुआ, उसके बाद से शुभम गिल आते इस खिलाड़ी का सफर जिस तरीके का नाम है उस तरीके की बल्लेबाजी ना तो ओडीआई में देखने को मिली ना टी ट्वेंटी, एक पारी ओडीआई में देखने को जरूर मिली तो बहुत ज़्यादा स्लो थी। बहरहाल शुरुआती समय सूर्य कुमार यादव स्काई जिसकी चर्चा हम सब करना चाहते हैं और जिसका इंतजार भी हम सबको रहता है कि खिलाड़ी ऐसा कि किसी भी क्षण मैच के किसी भी लम्हे में ये गेंद को कहीं भी दे सकता है और टी ट्वेंटी के खास प्लेयर है। आई थिंक ये केवल टी ट्वेंटी में शूट करते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इनको ओडीआई में मौका मिल चुका है तो वहाँ की, क्योंकि इनका जो शारीरिक बनावट जिसे हम कह सकते हैं ना क्रिकेट की लहजे में कहूँगा क्रिकेटिंग शरीर जो है इनका वो टी ट्वेंटी के फॉर्मेट में ही चलता है। टी ट्वेंटी आते हैं इनके
और एक शरीर में अजीब सी ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी, और वो हाथों के मतलब अंगड़ाइयाँ कुछ इस तरीके की ना अजीब सही, वो खुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं जब T20 में परफॉर्म करते हो। और देखने को मिला, देखिए 44 मिनट 83 मिनट, तो ये T20 के स्पेशलिस्ट और किसी भी एंगल से स्ट्रोक लगा सकते हैं, किसी भी गेंद पर स्ट्रोक लगा सकते हैं, पहले गेंद से ये अपना काम शुरू कर देते हैं। और देखिए ODI मैच में अभी उनको मौका मिला था, किसी मैच में परफॉर्मेंस नहीं निकली, क्योंकि वो 50 ओवर का स्कोर इनके लिए बहुत बड़ा हो जाता है, उस स्कोर में अपने आप को खुद करना बड़ा बड़ा हो जाता है। अभी T20 में वन ऑफ ग्रीन बल्लेबाज मैं कहूँगा, जिसको देखना हमें इस पूरे वर्ल्ड मार्केट से पसंद है कि जिस तरीके से खिलाड़ी खेलता, तिलक वर्मा, मैंने पहले भी इस खिलाड़ी के बारे में कहा, अब देखिए दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और आई थिंक इसका यूज एक तरीके से और किया जा सकता है कि आप ये ऑलराउंडर है स्पेशली, और आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप उनका देखा हुआ परफॉर्म वेरी वेल, उस तरीके से उनको थोड़े बहुत यूज कीजिए, एक दो ओवर भी निकाले जा सकते हैं, खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कहीं ना कहीं अब भारतीय टीम को चाहिए तिलक वर्मा के लिए कि एक मोटिवेशनल आप स्पीच कह सकते हैं, भाई परफॉर्मेंस ऐसे जारी रखना, बहुत जल्द तुम्हें एक बड़ा मौका मिल सकता है। और इसके हकदार भी हैं वो हार्दिक पांड्या मैं अपनी कप्तानी में, जब ये खुद अपनी कप्तानी में गेंदबाजी या बल्लेबाजी कुछ भी करे 100% दिखता है, वो मेहनत दिखती है, वो झुंझलाहट दिखती है। और देखिए एक हार्दिक पांड्या अमूमन फर्स्ट डाउन आते हैं, लेकिन कल इन्होंने खुद को थोड़ा सा स्लो डाउन किया, सूर्य कुमार यादव को प्रमोट किया फर्स्ट डाउन पर, और वहाँ से फिर देखिए उसके बाद से तिलक वर्मा को भी अपने आप को रोके था, और वो जानते थे कि शायद सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि एंड ऑफ द डे मुझे थोड़ी बहुत हार्ड हिट की जरूरत पड़ सकती है, वहाँ मैं सक्षम हूँ उस काम में तो बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी कल मुझे पहली बार लचर दिखती हुई नजर आई, मकौल का एक विकेट मिले, अलजारी जोसेफ ने सुमाती विकेट निकाली, उसके बाद रोमानी शेफर्ड जिसकी बदौलत मैं कह सकता हूँ कि चाहे वो ODI मैच था चाहे वो T20, वेस्ट इंडीज टीम एक बेहतर कर रही थी, स्पेशली गेंदबाजी में शुरुआती वो झटके दे पा रहे थे। इस बार रोमानी शेफर्ड 3 ओवर 36 रन विकेट लेस है, और ये एक बड़ा कारण रहा कि भारतीय टीम स्कोर का पीछा कर पाई और जीत पाई, कि नहीं तो रोमानी शेफर्ड अपने पहले दूसरे ओवर में ही विकेट निकाल देते। रोस्टन चीज के आने से टीम मजबूत जरूर हुई थी, लेकिन वो बल्लेबाजी में दमखम नहीं दिखा, और स्पिन अटैक में वो जो भारतीय टीम के पास जो कला है, शायद भारतीय स्पिनरों के पास जो कला, तो रोस्टन चीज के पास थोड़ी बहुत नजर नहीं आती। और उसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि रेगुलर क्रिकेट ना खेलना। अल्लाड़ी अकील हुसैन 4 ओवर में 31 रन, और ये खिलाड़ी है जो रन ब्रेक्स करता है, विकेटों को निकालता है, पर अगर वो होता चला जाता है तो अदरवाइज ये अपने एक स्टार्टिंग में 4 ओवर के साथ फिनिश करके पहली बार वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी में थोड़ी कमी नजर आई। आती वर्ष का बड़ा मोमेंट रहा रोमानी शेफर्ड का मैच, हम सब भली भांति जानते हैं, क्योंकि अगर आप ODI मैचेस से लेकर अब तक के 3 T20 मैचों पर अगर एक बड़ा मोमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो रोमानी शेफर्ड। दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा रहा जिनको उतर के बताएगा, कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, सोशल साइट पर जा सकते हैं जिसके लिए आपको मुझे मिलते बताएंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने परिवार जानते हैं। थैंक यू सो मच।